आज आम देखा चैप्टर नंबर 8 एटम्स एंड न्यूक्लिआई विषय रे। सो एटम्स कवर अप करिया पई फर्स्ट एटम्स को देखा ताको आगे कवर अप करिया देन विल गो फॉर न्यूक्लिआई। ओके एटम्स रे कोन कोन अछि तुम सिलेबस अनुसार मैं बता दउची। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रही। नेक्स्ट रही रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। ओके थर्ड रही बोर्स मॉडल, देन रही तुम एनर्जी लेवल्स एंड देन लास्ट रही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। टोटल 5टा हेडिंग रोची ता विषय में आमे जानिबा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ये तो थिला तुमन सिलेबस विषय, तो सिलेबस विषय तो पाठ पढ़ा, बट फर्स्ट आम जो बेसिक जिनसा क्लीयर करवा केमती से विषय में टी आगे जाना। कौन बेसिक जिनस एक्चुअली एटम्स कहले कौन कौन एटम्स एटम का कहवा एटम कहले कौन बोल के जाना। आउ न्यूक्लियस केतरा की पॉइंट्स गुड़ा रोचे तो आमर। ओके एटम्स रोचे कौन कौन रोचे न्यूक्लियस और कौन कौन की पॉइंट्स गुड़ा रोचे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। ओके न्यूक्लियन ओके हाँ कौन कौन रोचे बस यदि किसी जिनसा की पॉइंट्स रोचे से विषय में फर्स्ट जाना गोटे गोटे कर जाना कौटार मीनिंग्स कौन कौन हो पूरा डिटेल्स जाना को चेष्टा करवा for our better understanding. Okay, first we'll go for atom. Okay, चल देखिया atoms विषय। ओके मुझे कंपेरिजन रे कर दउची एटम्स और न्यूक्लियस विषय दी जना को कर दउची कंपेरिजन रे बेटर हो। एपर साइड एटम्स रखी दउची एपर साइड न्यूक्लियस रखी दउची। ओके एटम्स को कहि परिबा सबुठू छोट पार्टिकल्स एलिमेंट्स जोटा कि इंडिपेंडेंट एक्जिस्ट कर मे करदरवैज करूँ न थी पारे। ओके तो लिखा कैमरा लिखा द टाइनी पार्टिकल्स, द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच may or may not exist independently is called an atom. Okay, atoms को विषय में बता देली ए टाइनी पार्टिकल छोटिया जी पार्टिकल्स of an element रो, okay, which may or may not exist independently is called atom. आगो को बढ़िले देखिया न्यूक्लियस आडो। ओके न्यूक्लियस रे कौन रोची मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स refer to the set of the atoms. Okay, refer to the set of the atoms held together by the bond indicating the smallest unit of a compound. Indicate भी करूँगी indicating the smallest unit of compound. Okay, POUND. Okay, यदि जानी पड़े आटम्स और न्यूक्लिआई विषय। हाँ आउ गोटे आटम्स में पॉइंट लिखिपर ये मे और मे नॉट exist in free state. Okay. Whereas nucleus रे हमें बड़े पॉइंट लिखी परबे तारो ठीक opposite exist in free state. Okay. बड़े पॉइंट हमें लिखी परबे ठीक. A substance that contains atoms. तो मन को बताओ जी कहाँ को एलिमेंट कहा जाए और कहाँ को तुम्हारा कौन कौन से कंपाउंड और मिक्सचर कहा जाए इस विषय में तुमको बताओ जी. A substance that contains atoms of one kind. Okay. Is called what? An element. Whereas those containing more than one kind of atoms are called compounds or mixture. Okay. A substance गोटे बस जिनस दैट कंटेन्स जोड़ा कि कंटेन कर गोटे सिमिलर टाइप्स ऑफ वन काइंड्स ऑफ एटम जदि वन काइंड रोचे और गोटे ही टाइप्स रोचे तो आम ताकू कहि परिबा एलिमेंट बोली कहि परिबा. ओके. Whereas जितेबाला कंटेन करुच्ची डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओके वन मोर देन वन टाइप माने दुई रो अधिक हे पारे गोटे रु अधिक थाई पारे दुई तीन टाइप्स डिफरेंट टाइप्स रो जदी रोची एटम्स तो सेटा को हमें कहि परिबा कंपाउंड्स और मिक्सचर सिंपली कहबा. फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग एटा को भाई केमती कहबा वाटर को हमें वाटर मॉलिक्यूल बोली कहू सब बोले वाटर एटम बोली कहिचो देखिछ नाही ना तो सेति पे वाटर मॉलिक्यूल कहू बिकॉज़ एठी कोन रहिची H2O है ना एटा एक्चुअली गोटे वाटर मॉलिक्यूल आम सिंपली कही पारिबा गोटे कंपाउंड और मिक्सचर जमीक हाइड्रोजेन दीटा हाइड्रोजेन अच्छी ये आउ ऑक्सीजन दीटा अच्छी. ओके. सो नेक्स्ट हमें पढ़ीचु पीरियडिक टेबल विषय आम पढ़ीचु पीरियडिक टेबल कौन कौन एलिमेंट आम सिंपल जिनस फास्ट जाना गोटे सपोज एलिमेंट्स आम एक्चुअली केमती देखिया पढ़िया क्या इच एंड एवरीथिंग समथिंग ये किसी लिखिद. ओके. आम एवं इंडिकेट करवा ये एक्स को इंडिकेट करुच्ची मु सिंबल ऑफ एलिमेंट जेकोसी सिंबल हो पारे एलिमेंट्स आम जाचु पीरियडिक टेबल रे 108 एलिमेंट्स रोचे. ओके. तो से भर कौन सी जिनसा हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन एनीथिंग इट कैन बी. ओके. जेड व्हाट दिस मीन जेड एटॉमिक नंबर. ओके. ये जिनस किसी आमको माइंड रे रखा पड़ो जमती हेल्ले भी जेडटा है एटॉमिक नंबर आम एटॉमिक नंबर क्या कहवा ये लिखिदी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विषय आम जानी बस डेवलप कर. ओके. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस को हमें एटॉमिक नंबर सेटू हमें काउंट सेटा जते रहउजी से हिसाब रे हमें तो एटॉमिक नंबर सेति कि बोली कहिबा. ओके. नेक्स्ट विल गो फॉर कैपिटल ए हमें कैपिटल ए को मास नंबर बोली कहि था. ओके. व्हाट इज मास नंबर एक्चुअली आम ताको एमती वाले लिखि परिया द सम ऑफ मास नंबर केमती बाहर करा जे बते दोची द सम ऑफ the sum of mass number of proton and mass number of neutron is called atomic weight or atomic mass number. सिंबल जाऊँगी ए रे सिंबलाइज कर ना जहाँ भी लिखुचे ताको नोट्स नोट डाउन कर दो तो बेटर रहा तुम पे। ओके नेक्स्ट सपोज मानि नियो गोटे तुमको तो जमी कहते आटम सपोज भाविदे दौजी गोटे आटम आम जानी इलेक्ट्रॉन तो चारिपटे घुरुचे ओके सेंटर रोजी हमरो न्यूक्लियस ओके न्यूक्लियस साइड रे रोजंती इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करची ओके एना सर्कल तार ऑर्बिट रे न्यूक्लियस का को नहीं कि हेची प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन धीरे धीरे सब जिनसे जानिबा तांको विषय रे प्रोटॉन होची हमरो positively charged, whereas electron is negatively charged. Okay, and neutron is neutral. Okay, इटा को आउट के फल से जानिबा पई गोटे को सब एटॉमिक पार्टिकल्स रो गोटे डायग्राम बने कि तुम को देखो जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स रो बनेवा ओके लेट्स सी देख दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन सब रो जी ऊपर लिखि द पार्टिकल्स रो नेम फॉर examples कौन कौन जाने जा कौन कौन रोचे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ओके तांगरो मास और चार्ज विषय हमें जानिबा तो फर्स्ट हमें तांगरो रिलेटिव मास विषय टिके जा को डिस्कस करिबा रिलेटिव चार्ज विषय के डिस्कस करिबा एंड चार्ज विषय डिस्कस करिबा जार यूनिट कूलम से कैपिटल से लिखि देली लास्ट में मास विषय डिस्कस करिबा एंड केजी रे मु करची डिफरेंट यूनिट्स तमे कन्वर्ट करि पारिबो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोटॉन ओके प्रोटॉन्स रो कोन रहिची हमर रिलेटिव मास तारो 1 न्यूट्रॉन रो भी 1 बट इलेक्ट्रॉन रो एक्चुअल रिलेटिव मास हो 0.000 है 3.0 5 तारा रिलेटिव चार्ज भी से वाली ये यदि प्लस 1 रहू जी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहबा हमरो -1 ये कथा त हम जानि जो आ न्यूट्रॉन रो न्यूट्रल ओके चार्ज हो जी हमरो 1.6 * प्रोटॉन रो 1.6 * 10^-19 कूलम या एट लिखि जी सिंबलाइज कर छी एंड इलेक्ट्रॉन रो भी सेम 1.6 into 10^-19 कूलम आओ न्यूट्रॉन रो 0 बट गोटे जिन साइड ध्यान देव चार्ज जो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज प्लस लगाओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज नेगेटिव लगाओ क्लियर आपको जीवा मास आम ये मस प्रोटोन और न्यूट्रॉन रो सामान मस को मानी फॉर एग्जांपल 1.67 इंटू 10^-27 kg सेम लाइक 1.67 इंटू 10^-27 kg व्हेरेज इलेक्ट्रॉन रो 9.11 इंटू 10^-31 kg बुक्स रे तुम नेट्स नेट्रे सबुरे अन्य दे थे पारे कारण यूनिट चेंजेस हो जाए है ना यूनिट चेंजेस जदि कर तो से गोटे चेंजेस होदी केजी रे देख तो अनेपटे भी सेम जिन तुम्हें पाइपर ओके ये तो थिला आमर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विषय रे गोटे ओवरव्यू नॉलेज ओके तो एबे पई एतिकी थाउ नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको एक आउ कौन कौन ता विषय रे हबो एक्स्ट्रा बेसिकली नॉलेज टाको दे देबी ओके थैंक यू।